एक धूप वाली दोपहर एक छोटे से चर्च के बगीचे में एक एल्डरली पास्टर एक यंग मैन से बात कर रहे थे। यंग मैन का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने पास्टर से एक सवाल पूछा, पाप का बोझ क्या होता है और आत्मिक मृत्यु क्या है? पास्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये गहरे सवाल है मेरे बेटे, लेकिन समझने लायक है। पास्टर ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक सर्कल बनाया। हमारा जीवन इस सर्कल की तरह है। यंग मैन ने उत्सुकता से पास्टर की बात सुनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सर्कल उसके सवालों का जवाब कैसे देगा। पास्टर ने कहा, जब हम पाप करते हैं तो हम इस सर्कल से दूर जाते हैं। उन्होंने सर्कल से बाहर एक लाइन खींची। हर पाप हमें ईश्वर से दूर ले जाता है और यह दूरी, यह अलगाव, यही पाप का बोझ है। पास्टर ने समझाया, यह बोझ हमें नीचे खींचता है, हमें हैवी बनाता है। यंग मैन ने सिर हिलाया। उसे अब समझ आ रहा था, पाप केवल एक गलती नहीं था, यह ईश्वर से दूरी बनाता था। पास्टर ने आगे कहा, जब हम पाप में जीते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से मर जाते हैं। उनके शब्दों में एक गंभीरता थी। हम ईश्वर के प्रेम और कृपा से दूर हो जाते हैं, जैसे एक पेड़ बिना पानी के सूख जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा पाप के कारण सूख जाती है, उन्होंने दुख के साथ कहा। यंग मैन अब और भी चिंतित हो गया था। क्या आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब हमेशा के लिए खो जाना था? सेक्शन 4, द शेपर्ड्स लव। पास्टर ने यंग मैन का हाथ थामा और कहा, लेकिन निराश मत हो, ईश्वर एक दयालु चरवाहे की तरह है। जैसे एक चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, वैसे ही ईश्वर हमें ढूंढते हैं और हमें वापस लाने की कोशिश करते हैं। यंग मैन को उम्मीद की किरण दिखाई दी। क्या ईश्वर उसे भी माफ कर सकते थे? सेक्शन 5, फाइंडिंग द वे बैक। हमें बस इतना करना है कि हम पश्चाताप करें और ईश्वर की ओर मुड़े, पास्टर ने प्यार से कहा। उनका प्रेम हमें हमेशा क्षमा करने और हमें नया जीवन देने के लिए तैयार है। हमें पाप से घृणा करनी चाहिए और पवित्रता के जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। यंग मैन को अब राहत महसूस हो रही थी। उसने पश्चाताप करने और ईश्वर की ओर मुड़ने का फैसला किया। सेक्शन 6, अ प्रेयर फॉर गाइडेंस। पास्टर ने यंग मैन के साथ प्रार्थना की, हे प्रेमी ईश्वर, हम आपकी दया और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें अपने पापों को पहचानने और आपकी ओर मुड़ने की शक्ति दें। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने और आपके राज्य के योग्य जीवन जीने की कृपा करें। आमेन। यंग मैन ने प्रार्थना के शब्दों को दोहराया। उसका हृदय आशा और कृतज्ञता से भर गया।